कौशिक एंड टूडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिवेलपमेंट ऑफ ड्रामा आज हम इस पूरे क्लास में डिवेलपमेंट ऑफ ड्रामा को देखेंगे अगर हम बात करेंगे डिवेलपमेंट ऑफ ड्रामा शुरुआत कहाँ से हुई तो एक वर्ड आपको याद रखना है वो है आपका लिटर्जी लिटर्जी क्या होता था आ, ये होता था आपका रिलीजियस परफॉर्मेंसेस जो कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन वर्शिप आप बोल सकते हैं इसको आ, तो ये जो भी ड्रामा शुरुआत हुआ है तो जो फर्स्ट thing happened that happened due to uh, religious worship or performances जो religious जो धार्मिक काम होते थे उससे related जो भी परफॉर्मेंसेज होती थी वहां से ड्रामा की शुरुआत हुई है सो so, ड्रामा grew आउट ऑफ लिटर्जी ऑफ चर्च second थिंग इट was परफॉर्म्ड इन दिस सेक्रेट बिल्डिंग तो क्योंकि ये एक रिलीजियस uh, एक धार्मिक चीजों से रिलेटेड uh, चीज थी So it started in sacred building. Now next one, the actors who were priests. So first of all, who were performing there? Because these were related to uh, sacred things and religious uh, performances or Christian worships related. The, actors the, priest. And languages were used in this Latin and French. Public holiday dedicated to drama, jo public holiday hote thi, उसी में ये ड्रामा जो रिलीजियस ड्रामा होते थे उनको किया जाता था कॉपस क्रिस्टी प्लेस कलेक्टिव मिस्ट्रीज तो जो बाद में कॉपस क्रिस्टी प्लेस हुए वो हुए थे उनको हम कलेक्टिव मिस्ट्रीज के नाम से जानते थे द होल हिस्ट्री ऑफ द फॉल ऑफ द मैन एंड हिज रिडेम्पशन जो कि बाइबल का सेम है सो हम कह सकते कि बिब्लिकल जो आइडियाज़ थे वो किस में दिखाए जाते थे ड्रामाज में दिखाए जाते थे सेक्रेट प्लेसेस में अब जो सेकंड है वो है आपका फोर साइकिल्स फोर साइकिल्स एक्चुअली क्या थे वो चार जगह थी और वहां पर कुछ प्लेस किए गए जैसे कि एक जगह है चेस्ट वहां पे ट्वेंटी फाइव प्लेस थे इसलिए इसको चेस्ट साइकिल बोला जाता है सेकंड इज कॉमनली साइकिल सो जैसा कि मैंने कहा कि दी चेस्टर प्लेस इज अ साइकिल ऑफ मिस्ट्री प्लेस ऑरिजिनेटिंग इन दिटी ऑफ चेस्टर तो ये कहां पर शुरू हुए थे सिटी ऑफ चेस्टर में शुरू हुए थे एंड इट वॉज इन इंग्लैंड एंड डेटिंग बैक टू एटलीस्ट अर्ली पार्ट ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी कब लगभग पंद्रहवीं जो शताब्दी थी तब से शुरू हो रहा है तो अगर आपको ड्रामा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को समझना है तो आपको माइंड में कुछ पॉइंट्स बना के चलने हैं जैसा कि सबसे पहले हो गया लिटर्जी अब हो गया फोर साइकिल्स अब हम फोर साइकिल्स में चीजें याद करेंगे तो साथ में आप ध्यान से सुनते चलिए आपका पूरा जो ये वीडियो है इसमें हम पूरा कवर कर लेंगे सो सो फर्स्ट फर्स्ट लिटर्जी फोर फोर साइकिल साइकिल चेस्टर चेस्टर क्या है एक जगह का नाम है दूसरी जगह का नाम क्या है कॉवेंट्री कॉवेंट्री में क्या है आपका फोर्टी टू प्लेज वर्द एयर अब यहाँ पे कौन से प्लेज किए जाते थे यहाँ पर मिस्ट्री प्लेज किए जाते थे मिस्ट्री प्लेस रिलेट आरिकल थी जो बिब्लिकल जो आइडियाज हैं वहां पर बाइबल से ली हुई चीजें हैं अब थर्ड थिंग है थर्टी वन प्लेस थे और इन्हीं को टाउनलेस साइकिल भी बोला जाता था नेक्स्ट इज य में कितने है? अब आते हैं फोर्टी एट प्लेस वो नेक्स्ट है वो है आपका मेरिकल प्लेस फिर से अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारी चीजें क्या है आ, बाइबल से रिलेटेड है और रिलीजियस चीजें यहाँ पर परफॉर्म की जा रही हैं। अ अ अ प्ले इज ड्रामा दैट द लाइफ ऑफ सेंट, परफॉर्म्ड बाय क्राइस्ट और अ अमेरिकल परफॉर्म्ड बाय गॉड थ्रू अ सेंट्स फेथ और एक्शन यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि जो एक जो सेंट है वो गॉड पर क्या करता है फेथ करता है इसलिए उसकी लाइफ में जो कुछ चीजें आई जो भी चीजें हुई वो चीजें उसमें शो की जाती हैं. सम बट नॉट ऑल ऑफ दीज स्टोरीज फ्रॉम बाइबल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि शुरुआत जो हुई है वो बिब्लिकल स्टोरीज से हुई है तो बिब्लिकल स्टोरीज से क्या निकला सबसे पहले है जो साइकिल थे वो थे अब उसमें क्या है मेरिकल प्लेस की बात हम कर रहे हैं ओरिजिनली डिवेलप्ड विद इन मीडियबल क्रिश्चियन चर्च और जो ये था वो सबसे पहले मीडियेबल क्रिश्चियन चर्च जैसे हमने पिछले भी साइकिल्स में देखा उससे पहले देखा कि लिटर्जी जो थी वो कहाँ पे की जाती थी सेक्रेट प्लेसेस अब सेक्रेट प्लेस की बात अगर हम कहें क्रिश्चियन uh, रिलीजन में तो जो सबसे सेक्रेट प्लेस उसमें माना जाता है जैसे आप इंडियन कल्चर में देखेंगे हिंदुइज्म में देखेंगे तो मंदिर को माना जाता है वहां पर आप देखेंगे सो मेडियोबल क्रिश्चियन चर्च वी मोस्ट सेक्रेट प्लेसेस वहीं पर ये सारे प्लेस होते थे रिटन इन लेटिन इसलिए हमने देखा एंड मेरिकल प्लेस अ अडाइज पार्ट ऑफ द लिटर्जिकल सर्विस तो ये जो लिटर्जिकल वर्ड आ रहा है इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ये क्या होती थी जो रिलीजियस परफॉर्मेंसेज होती थी जैसे हमारे यज्ञ होते हैं एंड अदर थिंग्स हैपन वाइल डूइंग यू नो प्रे टू गॉड प्र वहां पे क्या होती है लिटर्जिकल सर्विसेज होती थी नाउ ना एंड एपिसोड बाय लोकल रिलीजियस एंड ट्रेड गिल्ड्स ऑन सेपरेट वैगन अलग अलग जो जगह बनाई जाती थी वहां पर ये सारी परफॉर्मेंस की जाती थी डेट बैक टू ट्वेल्थ सेंचुरी ये कब की बात अभी आप लोगों को देखना है कि ये कब की बात चल रही है ट्वेल्थ सेंचुरी की बात चल रही है जो साइकिल थे वो थे आपके फिफ्टीन सेंचुरी के एंड सम ऑफ देम आर हैरो निकोल राइजिंग ऑफ लेम वेकफील्ड साइकिल जो वेकफील्ड की जगह थी वहां से ये लिया गया है सो थर्टी वन प्लेस देर मेरिकल प्लेस नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस्ट्री प्लेस सो जो भी ड्रामा uh, और प्ले बाइबल से निकलेगा बिब्लिकल होगा वो या तो मिस्ट्री मिस्ट्री प्ले होगा या मेरिकल प्लेस होगा एज यू कैन कंपेयर दीज थिंग टू कल्चर एज वेल जो हिंदुज्म का है उसमें भी आप लोग देखेंगे कि गॉड्स के बहुत सारे हमें uh, चमत्कार देखे जाते हैं सो दे दीज स्टोरीज आर ऑल्सो मिस्ट्री इफ यू कैन कैटेगराइज दैम ऑल राइट सो दीज आर मेरिकल एंड मिस्ट्री वी कैन सी देर द मिस्ट्री प्लेस और कॉपस क्राइस्ट साइकिल जो आपका है इसको मिस्ट्री प्लेस को कॉपस क्राइस्ट साइकिल भी बोला जाता है वर्लोंग साइक्लिक ड्रामा ऑफ क्रिएशन फॉल रिडेम्शन ऑफ मैनकाइंड एंड अदर बिब्लिकल इवेंट तो जब भी हम बिब्लिकल इवेंट की बात करें जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में आपने देखा होगा कि वहां पर बात की जाती है रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड की कि इंसान कैसे रिडेम हो सकता है चीजों से जो अर्थली चीजें हैं ओके दे वेरी ऑफन बेस्ड ऑन पैशन एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट तो जो भी मिस्ट्री मिस्ट्री प्लेस थे या मेडिकल प्लेस थे वो किन चीजों पे बेस्ड होते थे पैशन एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नाउ दे दे वर फाइनेंस एंड परफॉर्म्ड बाय क्राफ्ट गर्ल्स जो रिलीजियस uh, चीजों uh, से कनेक्टेड होते थे एंड दे वर रिलेटेड टू चर्च एंड स्टेज ऑन वैगन इन द स्ट्रीट एंड स्क्वायर ऑफ द टाउन तो ये कहाँ वैगन्स मीन्स जो uh, ट्रांसपोर्टेशन की जो भी चीजें होती थी ओके सो इन दैट थिंग्स इट वॉज परफॉर्म्ड तो उसमें वो परफॉर्म की जाती थी स्ट्रीट एंड स्क्वायर्स ऑफ द टाउन जो भी चौराहे होते थे वहां पर ये सारी चीजें वहां पर दिखाई जाती थी लोगों को ऑफ़ दिस the Second प्ले इज वन ऑफ द the पीस ऑफ medieval इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पे अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका द Second Shepherd's प्ले अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है द Second शैफर्ड प्ले इज अब उसके नीचे आप लोगों के पास ऑप्शन हो सकते हैं मिस्ट्री मेरिकल प्ले बैलेड और नॉवल तो ये है आपका मिस्ट्री प्ले तो ये आपका मीडियबल जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका मास्टरपीस है The shepherds, the second shepherds play. Now next is the morality play. What is morality play? Morality play were allegorical dramas depicted the progress of a single character from cradle to grave. अब morality plays में क्या किया जाता है? ये एक तरह की allegory, allegorical drama है और उसमें क्या चीज़ दिखाई जाती है? Progress of a single character from cradle to grave. बचपन से और जब तक उसकी डेथ होती थी वहां तक उसका डिवेलपमेंट दिखाया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर का द सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट द होल मैनकाइंड और जो भी जब इस तरह के कोई रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है उसको उसको ही हम एलगरी बोलते हैं द सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंट द होल मैनकाइंड यहाँ पर पूरा जो मैनकाइंड है उसको एक सिंगल कैरेक्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की जाती है द ड्रामेटिस माइट इंक्लूड गॉड एंड एविल जो भी वहां पर सिंगल कैरेक्टर होगा वो वहां पर क्या शो करेगा या तो गॉड को रिप्रेजेंट करेगा या एविल को वाइसिस को बुराइयों को किया कर सकता है या जो वर्च्यूज होती हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकता है डेथ एंड मर्सी एटसेट्रा आप आर एब्रिक्शन विच आर परसोनिफाइड तो जब हम किसी एबस्ट्रिक्शन को किसी कैरेक्टर के थ्रू यहां पर आप देख सकते हैं किसी कैरेक्टर के थ्रू शो करने की कोशिश करते हैं तो उसे ही हम एलेगरी बोलते हैं आर फाइट सो इन मोस्ट ऑफ एलगरिकल थिंग्स दीज आर फर्सोनी एन इंटरेस्टिंग एंड वेरिएट कलेक्शन ऑफ मॉरलिटीज आर कॉल्ड मैक्रोप्लेस तो अगर हम वेरियड कलेक्शन ऑफ मॉरल्टी प्लेस की बात करें तो उन्हीं को हम मैक्रो प्लेस कह सकते हैं तो यहाँ हमारा एक टर्म निकल के फिर से आया मैक्रो प्लेस एवरी मैन अ डच प्ले ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कमिंग ऑफ डेथ इज फेमस इन दिस फील्ड तो आपका जो इंपॉर्टेंट हमने देखा वो सेकेंड आपका इंपॉर्टेंट जो वर्क है इस फील्ड में वो है आपका एवरी मैन ये आपका एक डच प्ले है एंड द काशल ऑफ प्रेजिवेंस और विजडम और मैनकाइंड वी कैन टेक दीस थिंग्स

और अदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स तो जो मेरिकल और मॉरल्टी प्लेस होते थे उनके बीच में जो शॉर्ट प्लेस रखे जाते थे वो किस चीज के लिए रखे जाते थे डाइवर्टिंग एंटरटेनमेंट डिजाइन फॉर प्रेजेंटेशन राइट तो वहां पर कुछ डाइवर्जन हो सकता था और जैसे कोई सैड uh, चीजें हैं उनके बीच में कुछ लिजेंट चीजों को रख दिया जाता था सो हीट इज कंसिडर्ड टू बी द्रिएशन ऑफ जॉन हेवुड तो अगर इंटरल्यूड की बात की जाए कि सबसे पहले ये किसने किया था सो राइटर्स आर जॉन हेवुड ड्रामा का डिवेलपमेंट प्रोज का डिवेलपमेंट पोइट्री का डिवेलपमेंट ये चीज़ें हमें एक इंटरेस्ट दिला देती हैं जब हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं जस्ट फैक्ट वाइज पढ़ने के बजाय अगर हम इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें पढ़ें तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अस तो ज, जो जॉन है उन्होंने क्या किया को इंट्रोड्यूस किया तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे कहां से? अभी एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लिटर्जिकल परफॉर्मेंसेस से ड्रामा की शुरुआत हुई थी पहले लोग क्या करते थे जो धार्मिक चीजें थी रिलीजियस परफॉर्मेंसेस थी उनके उनको शो किया करते थे लोगों को लोगों के पास एंड देन के मॉरलिटी देन के मिस्ट्री प्लेस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरल्यूड तो जैसे जैसे नीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे पास लिटरेचर की चीजें बढ़ती जाती हैं नाउ दिस इज जस्ट फोर रनर ऑफ रेगुलर ड्रामा अब जो रेगुलर जो अब ड्रामा शुरू होने वाला है शेक्सपियर के टाइम पे तो उससे पहले ये हम इसको डायरेक्ट फोर मान सकते हैं इंटरल्यूड को अंडर पैटर्न पैटर्नेस ऑफ हेनरी एट्थ तो हेनरी एट्थ का इसमें इंटरल्यूड को डिवेलप करने में बहुत एक आ, उन्होंने इसको पैटर्न किया और जैसा मैंने आपको कहा कि जिस भी चीज़ को पैटर्न किया जाएगा वो चीज़ डायरेक्टली डिवेलप हो जाएगी और जिस चीज़ को पैटर्न नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा या किंग्स के द्वारा वो चीज़ उसी टाइम पे उस चीज की एंडिंग हो सकती है तो हम ये चीज देखेंगे जैसे प्यूर्टन्स ने 1642 में क्या कर दिया इसको शट डाउन कर लिया था पूरे ड्रामा को नाउ लेट्स कम टू द जॉन हेवुड जैसा हमने अभी देखा कि उनका जो इंटरल्यूड था इंटरल्यूड को डिवेलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था नाओ जॉन हेवुड लिव्ड बिटवीन 1497 टू 1580 एंड वाइफ एलिजेथ रेस्टल नीस और सर थॉमस मोर तो सर थॉमस मोर की जो नीस थी एल्जेथ रेस्टिल उनकी वाइफ थी राइट एंड द फोर पीस जो जॉन जो हेवुड थे उन्होंने जो फर्स्ट uh, इंटरव्यू लिखा था वो था आपका द फोर पीस एंड हियर द क्वेश्चन इज आस्ट लाइक व्हाट आर फोर पीस जो फोर पी है वो उसमें क्या क्या चीजें हैं तो फर्स्ट इज पाम पार्टनर पैल्ड एंड पॉथ कैरी यहां पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि फोर पीस कब पब्लिश हुआ था तो फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फोर्टी फोर द्ले ऑफ वेदर नेक्स्ट इज प्ले ऑफ द वेदर विच कॉट पब्लिश इन फिफ्टीन थर्टी थ्री Jupiter takes the conflicting opinions of various persons regarding the kind weather to be supplied. So here the story of the play of the weather is Jupiter takes the conflicting opinion of various persons Jupiter various, uh, persons opinion regarding the kind weather to be supplied. Now next one is a play of love the partner of uh, friar johan the husband these are all by the same writer he would and tib his wife and sir johan the priest witty and witless collection of proverbs and epigrams because uh, this one this work is full of uh, this collection of proverbs and epigrams are used there the spider and the flea which got published in 1556 it was a long satirical poem by john Hayward. the beginning of regular comedy and tragedy now we will be talking about this topic so first was Nicolas udell and it is also uh, pronounced like waddell in who lived between 1505 to 1556 dramatist and scholar so this is also first dramatist एंड ही ट्रांसलेटेड सेलेक्शन फ्राम टेरेंस रोट लेटिन प्लेज एंड सेक्रेट सब्जेक्ट्स एंड ही ऑल्सो डेड ट्रांसलेशन वर्क तो जब भी हम फर्स्ट किसी डिवेलपमेंट uh, की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन एंड अडोप्टे उसका एक क्वालिटी होती है ही फिगर्स एफ एम फोर्थ नॉवल द फिफ्थ क्वीन एंड नाइनटीन जीरो सिक्स राल्फ रोइस्ट डोस्टर इन फिफ्टीन फिफ्टी

एबसेंट मर्चेंट है वो है आपका तो यहाँ पे जो अगर राल्फ रॉइस्ट डोस्टर की बात करें तो रॉयस्टर कौन है एक एबसेंट मर्चेंट है जो कि अ बोस्ट पुल सिंपल्टन इन्वेस्टिगेटेड दियर टू बाय मिस्िवियस मैथ्यू मैरी ग्रीक सो दिस इज द स्टोरी ऑफ राल्फ रोइस्टर डोइस्टर रोइस्टर इज रिपोर्ड एंड बीटन बाय कस्टन्स एंड हर्मेस्ट जो रजिस्टर है उसे पीटा जाता है किसके द्वारा कस्टिन्स एंड हर मेट्स एंड गुड लक आफ्टर बींग डिसीव्ड बाय फॉल्स रिपोर्ट ही रिकनसील्ड टू हर द प्ले शो सिमिलरली सिमिलरिटी टू द कॉमेडीज ऑफ प्लेटस एंड टेरिस तो इसमें जो हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं वो प्लॉटस और टेरेंस की सिमिलरिटीज मिलती हैं इस प्ले की सिमिलरिटीज नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट थॉमस सैक्वेल फर्स्ट अर्ल ऑफ डॉर्सेट ये जो अर्ल थे वो डोर्सिट के एंड बैरन एंड इन बिटवीन 1536 टू सन ऑफ सर रिचर्ड तो ये इनके फादर का नाम था सर रिचर्ड सैक्विल अ बैरिस्टर ऑफ इनर टेम्पल हाई ऑफिशियल पोजीशंस ही हैड लॉर्ड ट्रिजर एंड चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो इन्हों you know, काफी Uh, बड़ी ऑफिशियल पोस्ट पोजिशंस पे ये रहे जैसे लॉर्ड uh, ट्रेजरर एंड चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द कंप्लेंट ऑफ हेनरी ड्यूक ऑफ बकेम अपियर्ड इन मिसलेनी कॉल्ड मैरी ऑफ मैजिस्ट्रेट इन 1563 इनका जो वर्क है द कंप्लेंट ऑफ हेनरी ड्यूक ऑफ बकिंगम ये बकिंगम ये वर्क आया था उनका मिसलेनी में

जो थीम थी वो मेलेंकली थी आरके एक इन लैंग्वेज आरके द वेरी ओल्ड लैंग्वेज वॉज यूज द इंडक्शन मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट एंड गाबडक राइट सो दीज आर हिज वर्ग मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड नेक्स्ट वर्क इज गाबक गाबडक एंड गाबडक एंड गाबडक वॉज रिटन विद कलेबरेशन विद थॉमस नॉटन नॉटन और सैकविल ने गावडक जो वर्क है वो लिखा सो हियर वी हैव टू वर्क्स एक्चुअली फर्स्ट इज द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट एंड सेकेंड इज गावडक सो वी आर टॉकिंग अबाउट गावर्डक मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको याद रखना है गावर्डक का गावडक और फेरिक्स और पॉरिक्स जो गावर्डक जो वर्क है वो है आपका uh, फेरिक्स एंड पॉरिक्स उसका सेकेंड नेम है वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ इंग्लिश ट्रेजिडीज तो ये आपका क्या है ट्रेजिडी uh, है जो फर्स्ट ट्रेजिडी है वो है आपका गावडक एंड रॉयिस्टर डॉइस्टर दिस इज कॉमेडी राइट सो फर्स्ट कॉमेडी रॉइस्टर एंड डॉस्टर एंड फर्स्ट ट्रेजिडी गावडक इसका सेकेंड नेम है आपका फेरिक्स एंड फॉरिक्स द फर्स्ट थ्री एक्ट्स आर बाय थॉमस नॉटन जो पहले उन्होंने जैसा हमने अभी बात की थी कि कोलाबरेटिव वर्क है तो जो पहले तीन एक्ट हैं वो थॉमस नॉटन ने लिखे थे इन बिटवीन 1532 थर्टी टू टू एटी फोर एंड द लास्ट टू बाय सेक्विल और जो लास्ट के दो थे वो सेक्विल ने लिखे थे एक्टेड इन द इनर टेम्पल हॉल और ऑन ट्वेल्थ नाइट इन फिफ्टीन सिक्सटी वन फिफ्टीन सिक्सटी वन में इनको इनर टेम्पल हॉल में इसको एक्ट किया गया था प्ले इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मॉडल ऑफ सैनिकन ट्रेजिडी तो सेनिकन ट्रेजिडी इसकी थीम थी सेनिकन ट्रेजिडी की जब भी बात होगी वहाँ पर आपको मिलेगा फुल ऑफ ब्लड ब्लड सेंस ओके तो जहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड आपको दिखे एंड रिवेंज uh, आपको थीम दिखे तो वही सेनिकन ट्रेजिडीज में आते हैं दब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द लिजेंडरी क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन और जो ये सब्जेक्ट लिया गया था वो क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन से लिया गया था सो गाबक एज वी टॉक अबाउट गाबडक गाबडक विडेना आर किंग एंड क्वीन तो गाबडक और विडेना जो हैं वो क्या हैं किंग एंड क्वीन हैं ये स्टोरी है आपकी जो गाबडक आपका वर्क है फर्स्ट ट्रेजिडी फेरिक्स एंड पॉरिक्स आर देयर टू सन फेरिक्स एंड पॉरिक्स इसका सेकंड नेम है तो फेरिक्स एंड पॉरिक्स आपको याद रहेंगे कैरेक्टर्स के नाम इसमें सिर्फ एक ही नाम है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलता यूजुअली विडेना तो विडेना क्या है आपकी क्विंग है किसकी काबक की कावड़की. तो और उनके दो बच्चे हैं दे हैव टू सन्स फेरिक्स एंड पॉरे एंड द ड्यूक ऑफ कॉर्नेल जो हैं वो है आपका एल्बनी लॉग्रेस एंड कम्बुल एंड अदर चीफ कैरेक्टर्स फॉरिक्स एंड पॉरेक्स क्वेरल ओवर द डिविजन ऑफ किंगडम आप फॉरिक्स एंड पॉरेक्स के बीच में झगड़ा होता है उनके बीच में क्वेरल होता है कि किंगडम के बंटवारे के लिए फॉरेक्स, फेरेक्स इज किल्ड बाय पॉरेक्स जो फेरेक्स है द नेम इज फेरेक्स नॉट फॉरेक्स बट फेरक्स इज किल्ड बाय पॉरेक्स जो फेरेक्स है उसे पॉरेक्स के ने uh, मार दिया एंड दॉरेक्स इज मर्डर इन रिवेंज बाय हिज मदर और जो पॉरेक्स है उनको क्या कर दिया है टोटली ही वॉज ही वॉज ऑल्सो किल्ड बाय हिज मदर द ड्यूक ऑफ एल्बनी ट्राइस टू सीज द किंगडम एंड सिविल वॉर ब्रेक्स आउट और जो ड्यूक है एल्बनी का जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे कि एल्बनी लॉगरेस एंड कम्बल एन आर अदर चीफ कैरेक्टर्स तो यहाँ पे क्या हुआ एल्बनी ने सीज करने की कोशिश की किंगडम को और सिविल वॉर हो जाता है देर इज नो एक्शन ऑन द स्टेज और स्टेज पे हमें देखने को कोई एक्शन नहीं मिलता है दी इवेंट्स बींग नरेटेड इन ब्लैंक वॉर सो रिमेंबर दिस थिंग कि यहां पे जो गावडक है वहां पे कोई सीन हमें देखने को नहीं मिलते वहां पे सिर्फ जो वर्क है उसको नरेट uh, किया जाता है नेक्स्ट इज डिफेंस ऑफ पोएट्री फुल ऑफ स्ट्रेटली स्पीच एंड साउंडिंग फ्रेजेस सो डिफेंस ऑफ पोएट्री वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ एंड स्टेटली स्पीचेज एंड साउंडिंग फ्रेजेज द लेजेंड ऑफ गावडक इज टोटली बाय जोफ्रे ऑफ मनमत एंड फिगर्स इन स्पेंसर्स फेरी क्वीन वेयर गाबोडेक इज कॉल्ड गाबो गड सो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है उसमें भी हमें गाबोडेक देखने को आ, मिलते हैं एंड फर्स्ट यूज़ इन ब्लैंक वर्स यहाँ पे हमें ब्लैंक वर्स का जो फर्स्ट यूज फॉर ड्रामा ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स फॉर ड्रामा वी केम टू नो अबाउट दिस वर्क दी अर्लीस्ट ड्रामाज अगर हम अर्लीस्ट ड्रामाज की बात करें तो जो ट्रेसिडीज़ हैं उनमें हैं आपका एपियस एंड वर्जीनिया इन 1563 सिक्सटी थ्री अनोनी बाई राइटर वी डोंट नो अबाउट द राइटर हिस्ट्री ऑफ हॉर्स डेज इट गाट पब्लिश्ड इन 1567 सिक्सटी विच इज़ अगेन अनॉनिमस जोकास्टा विच गाट पब्लिश इन फिफ्टीन सिक्सटी किंग ऑफ पोर्सिया फिफ्टीन And uh, this is by Preston. Misfortune of Arthur, 1588, which is uh, written by Hughes. Histories. The famous victories of Henry V. It was uh, written and performed before 1588. The troublesome reign of King John before 1591. The chronicle history of King Lear. 1594 and now let's talk about some comedies first is grammar gurton's needle which was in 1575 uh, so thank you for watching this lesson hopefully it helped you a lot see you in next lesson